मेरे प्रिय यूट्यूबर्स, 19 सितंबर 2022 की संध्या का आपको नमन, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, आदाब। जहाँ पुराने कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, और बर्तन तो स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक नहीं होते। जब वो खटक जाते हैं, जो गतिशील नहीं है, जो चलायमान नहीं है, तो इंसानों में तो खटपट उन्हें लाजमी है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है, और हर आदमी को ये सोचने का अधिकार है कि जो वो सोच रहा है वो सही है। लेकिन साथ में उसको ये भी सोचना चाहिए कि जो दूसरा कह रहा है, जो दूसरा बात कर रहा है, हो सकता है वो भी सही हो। और जब अपने पे आत्मविश्वास के बदले घमंड हो जाता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, या पति के घरवाले हो, या पत्नी घरवाले हो, तो तकरार हो जाती है। जब तक ये तय होता है कि कौन बड़े बाप का है या कौन सही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और परिवार टूट जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हर परिवार टूटता हो, हज़ारों शादियां होती हैं, उसमें से सैकड़ों ही टूटती हैं, बाकी ठीक ठाक रहती हैं। मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूँ जहाँ पति पत्नी में टकराव हो जाता है, या उनके परिजनों में भी टकराव होता है। आमतौर पे पति पत्नी में जो टकराव होते हैं वो विकराल रूप नहीं लेते, लेकिन जब कैटलिक एक्शन होता है, उत्प्रेरक क्रिया होती है घर वालों की, तो निश्चित तौर पे छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। अब मेरा मानना ये है कि अगर विवाद हो, नहीं निभ रही हो, नहीं बन रही हो, तो उसका एक तरीका है कि सिर्फ कानून से अलग हो जाए, कुछ ऐसा प्रयास ना किया जाए जिससे दूसरे परिवार को कोई क्षति हो, शारीरिक, मानसिक, जिंदगी की या किसी और तरह की। इन्हीं सब बात को देखते हुए कि जहां निभ नहीं पा रही, हिंदुओं के लिए विशेष तौर पे एक हिंदू लाया आया 1955 में, मैं उसकी आज बात करना चाहता हूं। संशोधन होते रहे लगातार, क्योंकि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कॉमन सेइंग है। जैसा समाज चाहता है वैसे परिवर्तन होते, कानून पे इसमें परिवर्तन हुए। सबसे पहले तो इसे डिफाइन किया गया है कि हिंदू कौन है। वैष्णव, शिवा, लिंग्यात, बौद्ध, जैन, सिख, ये लोग हिंदू लोग में आते हैं, कवर्ड होते हैं। और ये भी इसमें निर्धारित किया गया है कि किसी बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, अगर बच्चे के एक मदर या फादर में से कोई भी हिंदू है तो वो भी हिंदू लोग में आ जाएगा एडॉप्शन और मेंटेनेंस के लिए। बच्चे भी एज पर हिंदू लॉ 3 तरह के होते हैं। फुल ब्लड, जब माँ बाप एक हो, हाफ ब्लड, जहाँ पे माँ अलग हो और पिता एक हो दोनों बच्चों के, यानी बाय एंट्री, और एक
और है यूटराइन ब्रदर्स, जहाँ पे माँ एक हो बाप अलग अलग हों, लेकिन उन बच्चों को चाहे वो लेजिटिमेट हो, शादी वाइड हो, वाइडेबल हो, इलीगल हो, लिव इन हो, बच्चे कभी इलीगल नहीं होते, ये कानून कहता है, वो लोग जो किसी और धर्म से कन्वर्ट होकर हिंदू में आए हैं वो भी हिंदू लॉ उन पर लागू करेगा, और जो रिकन्वर्ट हुए हैं हिंदू में वो उन पर भी हिंदू लॉ करेगा, ये हमारा हिंदू लॉ कहता है। ये तो पता ही है सब लोगों को कि कुछ प्रायोरिटी डिग्रीज हमारे यहाँ जहाँ पे शादी नहीं हो सकती, और कुछ गोत्र ऐसे हैं सहपिंड जिसे कहते हैं उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती। 21 साल अब कानून लड़के के लिए है और 18 साल लड़की के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पति पत्नी के विवाद के बाद क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई एक पक्ष जो है जो शादी के बाद दूसरे अपने पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ दे और उसके साथ वैवाहिक धर्म ना निभाए, तो उसके लिए सेक्शन 9 होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, वो दावे किए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये बेकार है, जब डिस्प्यूट हो गई है कोई रह रहा है बगैर किसी कारण के, तो फिर उसके बाद समझौता सुलह वुलह अगर होती भी है तो आमतौर पे, वैसे तो कई बार हो जाता है कि अच्छा रहता है, लेकिन आमतौर पे वो बढ़ करके गंभीर रूप ले लेती है। उसके बाद आता है जुडिशियल सेपरेशन, अगर पति पत्नी 2 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं तो दे कैन क्लेम जुडिशियल सेपरेशन। ये तलाक से अलग है, लेकिन तलाक का ग्राउंड बन जाता है ये। कई बार सेक्शन 10 जो है कन्वर्ट 13 में हो जाती है, और कई बार सेक्शन 13 10 पे कन्वर्ट हो जाती है, ये दो राय नहीं है। अब आते हैं शादी भी 3 तरह की होती है, एक लीगल मैरिज, एक इलीगल मैरिज, एक वाइड शून्य शादी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पहली व्यक्ति या महिला ने अपने पहली शादी जो दूसरी शादी तक कायम थी, उभय पक्ष जीवित थे पति पत्नी, और किसी भी न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक आदेश से उनकी शादी को भंग निरस्त नहीं किया गया था, तो अगर वो शादी करता है कर तो ये बात तथ्य छुपा के दूसरी शादी करता है तो ये मैरिज वॉइडेबल हो जाती है। उसके बाद अगर किसी पक्ष की मानसिक स्थिति इस तरह से खराब हो कि वह कॉन्सेंट रजामंदी देने के काबिल नहीं होती और उसकी शादी ये बात छुपा की जाती है, या फिर वो मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है, कई बार ल्यूनेटिक नहीं होता लेकिन मेंटल डिसऑर्डर होता है, और वो शादी के संबंध कोई निभाने में या बच्चों के भरण पोषण में आज सक्षम है तो जो मैरिज है वो वॉइड एब इनिशियो घोषित की जा सकती है और शून्य की जा सकती है, या वो सहपिंड में हुई हो, या फिर जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज है रिलेशन से उसमें हुई हो, तो वो उसके मान्यता भी हिंदू धर्म में नहीं दी जाती जब तक कोई कस्टम ना हो उनका उस विशेष वर्ग का समुदाय का, तब तक वो वॉइड एब इनिशियो है। उसके बाद अगर
छल कपट से शादी की जाती है, धोखा देके शादी की जाती है, उम्र गलत बताई जाती है, या कोई लड़की दूसरे से कहा दी, लड़का दूसरे से कहा दिया, नौकरी कुछ बता दी, निकली कुछ और, कोई भी छल कपट किया गया हो तो वो वॉइडेबल है, उसको कोर्ट से ख़त्म कराया जा सकता है सेक्शन 12 में। लेकिन जो विवाह हुआ है हिंदू रीति से, उसका विच्छेदन सिर्फ दफा 13 में होता है और 13B में होता है। दफा 13 में प्रावधान आपको पता ही है, क्रूरल्टी, कोई भी पक्ष इतना क्रूरल है, निर्दय है कि वो दूसरे, वह लगातार निर्दयता करता है दूसरे पक्ष के साथ। मैं यहाँ बताना उचित समझूंगा क्रूरल्टी का एक्सटेंट क्या होना चाहिए। थोड़ी बहुत क्रूरल्टी तो अगर पति पति को डांट दे, पत्नी पति को डांट दे, रोज के विवाद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सास बहू में लड़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं, पर द क्रूरल्टी शुड बी अप टू दैट एक्सटेंट, जो मेरा मानना है कि जब इतनी क्रूरल्टी की जाए एक पक्ष के द्वारा दूसरे के ऊपर कि उसके पास कोई और चारा पति को छोड़ने का या आत्महत्या करने का ना बचे, इफ़ ही और शी इज पुश्ड टू द वॉल, जहाँ उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो क्रूरल्टी होती है जिसके आधार पर तलाक हो सकता है। दूसरी बात, अगर पति या पत्नी दे आर लिविंग इन एडल्ट्री, किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध बनाते हैं शादी के बाद, तो ये भी ग्राउंड होता है तलाक का। और अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाए किसी पक्ष का शादी के बाद, इसका उपचार ना हो सकता हो, मानसिक संतुलन रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, तो एक आधार ये भी 13 में होता है। उसके बाद अगर किसी ने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, कोई साधु बन गया है, या कोई कोड़ वोड़ जैसी बीमारी हो जाती है, तो वो भी आधार हो जाते हैं इनक्यूरेबल डिसीज, बिल्कुल जिसका लाइलाज है, वो नहीं कैंसर वगैरह, वो नहीं है टीबी वगैरह नहीं है, ये क्यूरेबल है, लेप्रोसी वगैरह जो बीमारी होती हैं वो अगर हो जाती है तो वो भी आधार बन जाता है कई बार तलाक का। और 13B पता है कि दोनों को, अगर दोनों की शादी एक साल हो चुकी है और एक साल से अलग रह रहे हैं, तो 13B में वो लोग म्यूचुअल कॉन्सेंट से कि हम लोग निर्वाह नहीं कर सकते, तलाक ले लेते हैं। अब मेन बात यह है, जो कानून बनाए जाते हैं वो लोग ना तो हम लोग शायद पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं, न्यायालय भी नहीं पढ़ पाती शायद, समझ नहीं पाती, या उनको समझाया नहीं जाता। कानून ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सारी प्रोसीडिंग इन कैमरा होगी, ओपन कोर्ट में नहीं होगी। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल वो कानून है, लेकिन उसके विरुद्ध में, विरुद्ध उसके हम लोग काम कर रहे हैं, अदालतें भी काम कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और ये भी वर्णित है उस कानून में कि उसके प्रोसीडिंग या उसका जजमेंट जो पति पत्नी विवाद का होता है, उसको कोई समाचार पत्र या मीडिया प्रकाशित नहीं करेगा। क्या ऐसा हो रहा है देश में? दुर्भाग्य यह है कि 55 में कानून बना था, 1,000 रुपये फाइन था, अभी 1,000 रुपये फाइन है। इन कैमरा ट्रायल होगी और उसका पब्लिकेशन बार्ड है अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके बाद और क्या प्रक्रिया है? पहली बात तो कि पिटिशन जो होगी वो उसके साथ एफिडेविट लगेगा, समस्त तथ्य उस पर दिए जाएंगे, क्या कारण है, क्यों लास्ट स्टेज आ चुके हैं जहाँ तलाक के बगैर कोई गुजारा नहीं है, शादी को एक साल हो चुका हो, सेपरेशन को उसके बाद एक साल हो चुका हो, हालांकि कंडोल बेल है ये सेक्शन 15 में, वो बाद में बताएंगे, चर्चा उसके बाद में करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है इस कानून में कि फैमिली कोर्ट, ये सॉरी फैमिली कोर्ट के बाद में बताऊंगा आपको, हिंदू मैरिज एक्ट के जो मुकदमे हैं वो डे टू डे प्रोसीड करेंगे,
क्या हो रहे हैं, छः छः महीने की, पाँच पाँच महीने की डेट। महिला उस समय तलाक लेने की कोशिश करती है जब ये सोचती है कि मेरा तलाक हो जाएगा, या पुरुष भी सोचता है तो हम दूसरी शादी करके नया जीवन शुरू करेंगे। कैसा हो रहा है, डे टू डे ट्रायल का प्रोविजन है। कितने लोगों को पता है, कितने अधिवक्ताओं को पता है, कितने जजेस पढ़ते हैं इस बात को। 3 महीने की डेट, 4 महीने की डेट, समन्स जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, डाकिया से पैसा दो वापस करा दो, फिर दोबारा समन, तीसरी बार समन, फिर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, उसके बाद पब्लिकेशन के बाद पब्लिकेशन की एक कॉपी बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी जाएगी उसको, उससे पहले रजिस्टर्ड पोस्ट से समन भेजे जाते हैं और डेट लगती है 3-3 महीने की, जबकि कानून कहता है डे टू डे ट्रायल होगी। और दूसरी बात, जब दूसरे पक्ष को समन की तामील हो जाए, वो अपीयर हो जाए, तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर ये केस निर्णित होने चाहिए। क्या हमारे न्यायालय ऐसे कर रहे हैं? न्यायालय क्या करें, न्यायालय है ही नहीं। सरकार के पास बहुत पैसा है और कामों के लिए, अदालतें नहीं बनाना चाहते, अदालतें नहीं बनाना चाहते। सबसे बुरी व्यवस्था अगर कहीं हिंदुस्तान में किस चीज़ की, वो न्याय की सबसे बुरी व्यवस्था है, अदालतें नहीं है। मुकदमे बढ़े जा रहे हैं, पेंडेंसी करोड़ों में पहुंच रही है, कोई चिंता किसी को नहीं, घर बर्बाद हो रहे हैं। विकल्प में आदमी कत्ल कर देता है, मार देता है, 304 भी कर देता है, 302 कर देता है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये तो बात हुई, ये आधार होते हैं तला, और फिर म्यूचुअल हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक एफिडेविट देना पड़ता है, और चीज़ें तो देनी पड़ती हैं, कि इस मुकदमे को दायर करने में कोई मिलीभगत नहीं है पति पत्नी की, सेक्शन 11 को छोड़ के मिलीभगत, ये एफिडेविट देना पड़ता है कि हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। अरे 13B के मुकदमे में तो मिलीभगत होती है, तब जो होता तभी होगा जब दोनों मिलके फैसला करेंगे अलग रहने का। तो इस प्रावधान पे भी गौर करना चाहिए। अब आती है बात कि खर्चा, मेरा मानना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो 1955 का था, उसमें सारी बातें तय थी खर्चे के बारे में, चाइल्ड मेंटेनेंस के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, परवरिश के बारे में, हर चीज़ में। उसके बाद भी लगातार कानून बनते रहे, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट बन गया एक साल बाद ही, फिर आगे 125 CRPC 74 में, कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी, इतना व्यापक है ये एक्ट, पर कोई पढ़े तो सही। उसके बाद आ गया फिर डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, जबकि वो प्रोविजन सारे के सारे हैं, 498 में भी हैं, और 498 की जरूरत क्या थी, और दफाएँ बहुत हैं IPC और में। हल्का किया गया है 498 और 304 भी ला करके, हल्का किया गया है मामले को कठोर करने के बदले। फिर आ जाता है फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट की जहाँ तक बात, मैं आपको बहुत यकीन से विश्वास से कह रहा हूँ कि हमारे राजनीतिक नेताओं को कुछ पता नहीं है। बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोर्ट की, मैं साबित कर दूंगा, आई विल प्रूव कि 1986 में हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड आ चुका है। और कोई अगर इस बात की एहसास करता तो चुनौती दे रहा हूँ मेरे से आगे बहस करे, चाहे वो देश का कितना बड़ा वकील क्यों ना हो, वो चाहे देश का कितना बड़ा न्यायविद्या हो, कानून क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं, मैं साबित कर दूंगा 1986 में आ चुका है कॉमन सिविल लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ज्यूज सब पे लागू हो रहा है। उसके बारे में बताऊंगा बाद में आपको। शॉकनिंग है कि हम लोगों के देशों के नेताओं को, न्यायविदों को, कानूनविदों को नहीं पता कि आ चुका है कानून कॉमन सिविल कोड का 1986 में। यहाँ तो लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है, वोटें लेनी है, और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस की क्या बात है। मेंटेनेंस में हिंदू मैरिज एक्ट में उभय पक्ष हस्बैंड एंड वाइफ जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, जो मुकदमा लड़ने में असमर्थ है, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है,
सेक्शन 24, जब मुकदमा दायर हो जाए, दूसरा पक्ष आ जाए, सेक्शन 24 डाली जाती है हिंदू लॉ के अनुसार। उसमें यह है कि पेंडेंट लाइट, जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वकील की फीस, आने जाने का खर्चा और मासिक भरण पोषण जो मांगेगा और साबित करेगा कि उसके जेन्युइन नीड है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महिला को मिलेगा खाली, उसको न्यायालय बांध देगी खर्चा जब तक वो केस तय ना हो जाए। अब तय होने के बाद क्या होगा? तय होने के बाद धारा 25 का मुकदमा होगा एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। बिरला ही कोई वकील होगा जो 24-25 इकट्ठा डालता हो। और मेरा मानना यह है कि राइट फ्रॉम द डे वन, जब हम फाइल करें तभी 24-25 डालें, ताकि ये ना हो कि डिले होता रहे, पहले 24 से 25। सीधी सी बात, 24 की पेंडेंट लाइट मुकदमे के विचाराधीन रहते हुए मुझको, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता, यह शक्ति भरण पोषण नहीं कर सकता या कर सकती, ना बच्चों का खर्चा उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकते, मुझको दूसरे पक्ष से खर्चा दिलाया जाए और अपना केस साबित करके शुरू में उसे खर्चा मिलने चाहिए और 25 साथ के साथ लगा देने चाहिए कि मान्यवर, अगर जब ये मुकदमा तय होता है, जब माननीय आखिरी डिग्री पास करेंगे तो मेरे हित में एक मुश्त वन टाइम खर्चा दे दें, डिग्री कर दें या मंथली कर दें, मेरी जिंदगी में जीवित रहने तक मुझे इतना खर्चा मिले। ये दोनों पक्ष कर सकते हैं, खाली पत्नी नहीं कर सकती, पति भी कर सकता है अगर वो नाकाबिल है, अनेबल टू मेंटेन। अब मैंने क्यों कहा कि बाकी सब एक बेकार आए हैं? सेक्शन 26 पढ़िए इसका। सेक्शन 26 में ये है कि जो बच्चे हैं, पत्नी या पति खर्चा तो मिल गया 24-25 में, बच्चों की मेंटेनेंस का, उनकी लिविंग का, उनकी एजुकेशन का, उनकी अदर नीड्स के लिए भी खर्चा और कस्टडी का भी मामला दफा 26 में तय हो सकता है, किया जाना चाहिए।